साथियों, जब भी हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं वोटर आईडी नया बनवाने के लिए या करेक्शन करवाने के लिए, तो हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमें फॉर्म ट्रैक करने के लिए। लेकिन हमारे काफ़ी साथी कमेंट कर रहे हैं कि हम वो रेफरेंस नंबर नोट नहीं कर पाए या भूल गए, तो उस केस में हम उस रेफरेंस नंबर को दोबारा से कैसे पता करें। हालांकि आपके फ़ोन पे एक SMS आता है, लेकिन काफ़ी केस में नहीं आता। तो मान लीजिए आपके फ़ोन में SMS नहीं आया, आपने नोट नहीं किया, तो कैसे आप अपना रेफरेंस नंबर नोट करेंगे, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, आप या तो वोटर हेल्पलाइन ऐप से आवेदन करते हैं या फिर NVSP पोर्टल से, तो दोनों से क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं ताकि आपको अपना रेफरेंस नंबर मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है जीत चौधरी, आप देख रहे हैं इलेक्शन गाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जान लेते हैं कि कैसे आप रेफरेंस नंबर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे की साइड में जब आप ऐप ओपन करेंगे एक्सप्लोर का लिखा हुआ मिलेगा, एक्सप्लोर लेफ्ट साइड में, एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ मिलेगा, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जो विंडो होगी वहाँ तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो दो टैब आपको दिखाई देंगे। पहला रिसेंट सर्च, अगर आपने फॉरम सर्च किया है, कोई भी स्टेटस ट्रैक किया है। इसके अलावा अप्लाइड फॉरम, तो आपको अप्लाइड फॉरम पे क्लिक करना है, जहां आपको आपने जो आवेदन किया है फॉरम का उसके रेफरेंस नंबर यहां दिखाई दे जाएंगे। चाहे एक फॉरम अप्लाई किया हो या ज़्यादा, जितने भी फॉरम्स आपने वोटर हेल्पलाइन ऐप से अप्लाई किए हैं एक अकाउंट से, वो यहाँ अप्लाइड फॉरम्स में आपको दिख जाएंगे फॉरम के रेफरेंस नंबर और साथ में फॉरम का टाइप कि कौन सा है, फॉरम 6 है, 7 है, 8 है। सो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने NVSP पोर्टल यानी नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल से आवेदन किया है लॉगिन करने के बाद, तो आप वहाँ भी अपना रेफरेंस नंबर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने NVSP पोर्टल में लॉगिन करना है। अगर आप मोबाइल पे ये चीज़ चेक कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ऊपर 3 लाइन्स बनी रहती हैं जिसे मेन्यू बोलते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है और डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके द्वारा अप्लाई किए हुए फॉरम्स की लिस्ट आ जाएगी। एक फॉरम है तो एक लिस्ट, अगर एक से ज़्यादा है तो 2 लिस्ट। यहाँ आपको फॉरम के रेफरेंस नंबर, फॉरम टाइप, कब आपने अप्लाई किया, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से आप NVSP और वोटर हेल्पलाइन ऐप दोनों पे अपने रेफरेंस नंबर चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी टाइप का आपको कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहें आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय बाय।